छप गया छपको कोई स्नेह बनाई आप, मैं समझ गया आपकी बात को। व्हाट इज गुड हैबिट, तो मेन तो रीडिंग हो गया ना, बुक्स तो रीडिंग का ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि वर्ब है, तो वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं, तो वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के साथ होगा कभी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। लेकिन वर्ब के ऑब्जेक्ट से मुझे क्या मतलब है, मेन तो मेन सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज गुड हैबिट, लिख पढ़ना, रीडिंग गुड बुक्स इज अ गुड हैबिट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग, गुड और बैड कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं रीडिंग की, इसीलिए आएगा। जैसे यहां पे मैं कहीं लिख रहा था तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन आपने पूछ ही दिया है, जैसे यहां पे था टू हेल्प द पुअर, तो ये जो द पुअर है हमें द पुअर से थोड़ी मतलब है, हमें मतलब किससे है, टू हेल्प से, और हेल्प एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेके आया है। लेकिन बात हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू हेल्प द पुअर, नहीं द पुअर इज वन ऑफ माई हॉबीज, नहीं है ना ये द पुअर, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा टू हेल्प। तो सिंगिंग मेक्स मी वेरी हैप्पी, सिंगिंग क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या आएगा, मेक्स, बिल्कुल सही है, टू हेल्प सिंगुलर है, वर्ब क्या जाएगा, इज, बिल्कुल सही है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, अब स्मोकिंग सिगरेट्स हो जाता तो भी कॉजेज ही आता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग। होम टू मैरी, किससे शादी करे, ये भी देखो यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो इन्फिनिटिव भी आएगा, तो सिंगुलर ही आएगा ये, और वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर, ये है नो एरर। व्हाट सी डज और वेयर सी लिव्स, ये क्या आ जाएगा यहां पे, आर, इजी आएगा, सारे बच्चे इजी मान रहे हैं क्या, पढ़ने वाले बच्चे भी इज, रोहतक वाले बच्चे भी इज, बोरिंग रोड वाले बच्चे भी इज, सारे बच्चे इज, क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर, ये यहां पे आ रहा आएगा, है ना, आ रहा आएगा, इज है, चाहे जब मेजोरिटी कह रहा है आ रहा आएगा, इज आएगा, तो आर को काटते हैं और क्या लगाते हैं, इज, यस, और की वजह से है। अब बताओ, योर पेरेंट्स और हर मदर हैज कम हैव कम, और आ गया ना, नियरेस्ट वर्ब के करीब कौन है, मदर है ना, तो मदर के करीब, तो उसी प्रकार शी, वेयर शी लिव्स, सिंगुलर हुआ ना, तो वर्ब क्या आ जाएगा, इज आएगा। लेकिन यहां पे अगर हम लिखते एंड, तब यहां पे क्या हो जाता, आर, कंजंक्शन के हिसाब से नहीं, वो तो मैंने आपको इधर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और इसके बाबत तो बात बताई है मैंने आपको। तो व्हाट सी डज एंड वेयर सी लिव्स, एंड आ गया, दो हो गया, और आने से दो नहीं होता है, बल्कि हम अल्टरनेटिव या तो ये या तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वर्ब आएगा सिंगल, बिल्कुल सही है। एंड व्हाट यू टीच इज इजी टू अंडरस्टैंड या आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये पूरा बन गया क्या, नाउन क्लाउज है, और क्लाउज की संख्या एक है, तो वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट यू टीच इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत, ये रहा 50 तोला मां, 50 तोला, अरे ये क्या है, बस उम्मीद कर रहा हूं कि ये दिन आओगे लेके आप 50 तोला, तो दिखाएं, देखेंगे उसी दिन बालाजी मंदिर।
अब तुमने एक आईटी एक्ट आया कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ यूट्यूब पे किसी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पे नहीं कुछ लिख सकते ना बोल सकते हैं, ऐसा क्यों? क्या जैसे आपने कहा ना क्वेश्चन, और मैंने एक एग्जांपल दिया ऑल डेट के साथ भी, ये जितने भी नाउन क्लाउज बनेंगे एक एग्जांपल मैं उसका भी लिखा देता हूं, जगह इधर है नहीं कोई बात नहीं है, हम इधर इसको मिटाते हैं, आप मत लिखिएगा, मिटाइएगा मत, आप लोग लिखना है इसी को, जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाए या फिर ऑल आ जाए या फिर डेट आ जाए या फिर ऑल डेट आ जाए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाए, ऑक्सिलियरी वर्ब आ जाए या फिर नहीं आए, फिर मेन वर्ब आ जाए, ये पूरा का पूरा क्या बनता है? नाउन क्लाउज। क्या बनता है? ये पूरा का पूरा नाउन क्लाउज बनता है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट अग्रीमेंट शुरुआती दौर में आपको लिखाया था। तो ये भी जब बनेंगे ना सब्जेक्ट, वर्ब क्या लेंगे? सबके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। जैसे ऑल यू डू, ऑल यू डू या ऑल डैट यू डू, ये बन गया पूरा क्या? क्लाउज, नाउन क्लाउज, सब्जेक्ट बन गया, इज ऑब्लिक आर रबिश, क्या आएगा? इज आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्या है? नाउन क्लाउज है, सिंगुलर है, वर्ब आएगा सिंगुलर। तो हमने क्वेश्चन वर्ड ही लिखा, लेकिन ऑल भी आ सकता है, डैट भी आ सकता है, ऑल डैट भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट और डिलीवर मेन वर्ब भी आ सकता है। All you have done, have आ गया तो auxiliary, all you have done, all you have done is rubbish, तुमने जो कुछ भी किया सब बकवास है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन वर्ड हो या all हो या फिर that हो या all that हो, all that I have is yours, all that I have पूरा क्लाउज बन गया, is verb आ गया किसके लिए? All that I have के लिए, is yours, yours बन गया compliment। तो बात कर रहे थे हम लोग मजॉरिटी की, चलिए 50 है, कभी कभी ऐसे भी तो लिख लो। ये मोहब्बत की भाषा है, तन्ने क्या क्या सिखाऊं, हर बात पे चले फिर कहां ले जाओगे भाई?
तब क्या? अब मजॉरिटी शब्द फूटा जी, ये कोई नया आपके लिए नहीं होगा। पहली बार सुन रहे हैं या कई बार सुन चुके हैं? पहली बार मजॉरिटी। हमारे मोदी जी इतना तो तांडव कर रहे हैं, किसकी वजह से? मजॉरिटी की वजह से। तो ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन एग्जाम में एरर आते हैं तो शायद हम वहां पे फंस जाएंगे, जब जहां तक कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात है। तो मजॉरिटी अ हो या द हो, इस पर भी एरर बनते हैं, लेकिन मैं इसकी चर्चा यहां पे नहीं करूंगा कि कब आर्टिकल ए आएगा और कब आर्टिकल द आएगा, क्योंकि ए इनडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट है, तो दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग होंगे, कंटेक्स्ट सिचुएशन अलग अलग होगा। यहां पे फोकस कर रहे हैं हम लोग कि अगर मेजॉरिटी ऑफ आ गया, द मेजॉरिटी ऑफ हो या अ मेजॉरिटी ऑफ हो, तो इसके बाद क्या ना क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब क्या इस्तेमाल करने? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स आर लेबोरियस, इज और आर? आर। द मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, आर या इज? आर आ गया। जहां ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, वर्ब क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी अकेला भी आता है, मेजॉरिटी अकेला भी आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर। तो सब्जेक्ट बनकर जब अकेला आएगा तो फिर क्या करोगे? तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेजॉरिटी प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये कहां देखोगे आप? पॉकेट में, सेंटेंस में। सेंटेंस में ये क्लू आपको मिल जाएगा, हिंट वहां पे होगा कि मेजॉरिटी को क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है, तो वर्ब क्या देना? अदरवाइज ऐसा कोई क्लू नहीं, कोई हिंट नहीं, तो वर्ब क्या आएगा? हमेशा हमेशा मेजॉरिटी के साथ वर्ब इस्तेमाल करना, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना। आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। छपको फिर से, हैप्पी बर्थडे सौरभ मेहता।
आप कहें सौरभ मेहता जी धन्यवाद सबको जिक्र है ऊपर कर दें अ मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैज और हैव अ मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स यहां पे हैज नहीं बल्कि क्या आएगा हैव का इस्तेमाल करेंगे हैव बीन सिलेक्टेड द मेजॉरिटी डोंट थिंक द वे यू थिंक यहां पे मेजॉरिटी को सेंटेंस में कहीं लगा कि मैंने इसे प्लूरल माना है नहीं तो क्या जाएगा द मेजॉरिटी डज नॉट थिंक The majority does not think the way you think. क्या कर रहे The majority does not think the way you. ये बिल्कुल सही है Does not, do not की जगह क्या आ जाएगा Does not. And the majority are ready to support you because they trust you. ये है no, क्योंकि यहां पे जो दे हमने लिखा है दे किस शब्द कोई प्रनाउन है ना तो किस नाउन के लिए मेजॉरिटी के लिए यानी कि मेजॉरिटी को क्या माना गया है प्लूरल माना गया है वर्ब क्या जाएगा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे एग्जाम में आया हुआ अभी जो मिलेगा पेज उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था अभी हाल में ही आया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यह है 51 देखते हैं ये 51 वाक्य में 51 हो पाता है क्या चप गया जितने भी भाषा हैं जिसके नाम के अंत में आईसीएस नहीं मैथमेटिक्स सिविक्स पॉलिटिक्स नहीं बल्कि चाइनीज स्विस फ्रेंच स्पैनिश डच जापानीज जिसके लास्ट में ये सब हो उससे व्यक्ति का बोध हो जाता है द जापानीज का मतलब हो गया जापानीज लोग द ब्रिटिश ब्रिटिश लोग द चाइनीज चाइनीज लोग कोरोना कहां है मुन्ना है तो मैं क्या कह रहा हूं इसमें कहां है ये चलिए जिनको जो दिख जाए द फ्रेंच is far better than
अच्छा कभी मैंने अभी बताया था क्वेश्चन, उसमें देन की जगह मैंने डेट लिख दिया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। देन की जगह कोई क्वेश्चन था, द फ्रेंच इज फार बेटर देन द चाइनीज, सही है? द ब्रिटिश, द इंग्लिश, ब्रिटिश की भाषा थोड़ी है, द इंग्लिश हैज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड that English has always exploited the countries like India. तो बातें हो सकती हैं, वही क्या खाना? तब क्या क्या कहेंगे? द फ्रेंच इज, द फ्रेंच आर, द फ्रेंच आर, द इंग्लिश हैव ऑलवेज, द इंग्लिश मतलब हो गया इंग्लिश पीपल, द फ्रेंच मतलब हो गया फ्रेंच पीपल, द इंग्लिश हैव ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड द कंट्री लाइक इंडिया। ये है 52। क्या ये बन पाएगा? क्या बात है, ऐसे ही आप लोग नजर डालते रहिए।
अभी जो पॉइंट्स टेबल है टेस्ट मैच का, नंबर वन पे कौन है अभी? नंबर वन पे या न्यूजीलैंड? लिखा कि व्हेन अ नेम ऑफ अ कंट्री इज यूज्ड एज अ टीम, जैसे कहते इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो यहां पे क्या इंडिया टीम है क्या? नहीं ना। लेकिन जब मैं कहता हूं इंडिया हैज ऑब्लिक हैव प्लेड वेल, तो यहां पे क्या है इंडिया? टीम आ गया ना। तो इंडिया से किसी कंट्री के नाम से दो चीज का बोध हो सकता है, या तो कंट्री इटसेल्फ या तो फिर टीम का बोध हो। जब टीम का बोध होगा वैसे कंडीशन में दो बातें हो सकती हैं, या तो हम स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करेंगे, एक्टिविटी रिलेटेड स्पोर्ट्स, या फिर हम एक्टिविटी अदर देन स्पोर्ट्स ये बात करेंगे ना। अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करते हो तो कहा जाता है वर्ब क्या आना चाहिए? प्लूरल। अब सवाल उठता है क्यों आना चाहिए प्लूरल? पाउट बनाए नहीं बोला है, पाउट जो बना रहे हैं आप वो नहीं, उनसे पूछ रहे हैं ऐसे से कर रहे हैं, कैसे करूं मैं बताइए ऐसा क्यों होगा? तो हमारे राणा जी कह रहे हैं कि सर जब हम इंडिया से एक टीम का बोध करवाते हैं और खेल संबंधित बात करते हैं तो एक एक खिलाड़ी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखा जाता है। वहां पर एक एक खिलाड़ी के कंट्रीब्यूशन से हम हारते हैं और जीतते हैं, अच्छा खेलते हैं बुरा खेलते हैं, इसीलिए हम इसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में जानते हैं। तब यहां प्लेयर का बोलता है कि हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन ही खेल को अच्छा और बुरा बनाता है, जीत और हार क्रिएट करता है, इसीलिए हर प्लेयर को इंपॉर्टेंस देना है। इसीलिए हम यहां पे खेल खेल से संबंधित जब जब बातें होगी हम वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? हम प्लेयर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब खेल की बातें नहीं हुई तो टीम को एक यूनिट मानते हुए वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? हम सिंगुलर। लेकिन जब जब खेल की बात होगी हम हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरे 11 खिलाड़ी को अलग अलग माना जाता है, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे, मैं कुछ अब ऑडियो सुना रहा हूं। क्या है? इंडिया हैव वन द मैच। अब उन्होंने इंडिया हैज नहीं कहा, इंडिया हैव वन द मैच, क्योंकि जब जब हम खेल की बात करेंगे ना हमेशा हम कंट्री को क्या मानते हैं? हम प्लूरल मानते हैं और वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्लूरल। और देखेंगे आप कि जहां भी आपको दिखेगा दे का इस्तेमाल दिखेगा आपको,
अभी आप देखिएगा, हम दिखाते हैं आपको, तो गावस्कर ठीक इसके बाद दे का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पे इंडिया को क्या मान रहे हैं, प्लुरल मान रहे हैं, इसलिए वर्ब भी प्लुरल है और प्रोनाउन भी हमने प्लुरल इस्तेमाल किया। अभी एक न्यूज आया था, इसे मैंने पूछा, वो आज का न्यूज था, कल का न्यूज था, न्यूज में लिखा हुआ था कि इंडिया विद 118 रेटिंग इज ऑन द सेकेंड पोजिशन, ऐसे आया हुआ था। तो इंडिया इज क्यों आ गया वहां पे? क्योंकि यहां पे कोई खेल संबंधी बातें नहीं हो रही कि जीत गए हम, हार गए, अच्छा खेल रहे, विकेट गिर गया। अब देखिए विकेट गिरता भी है, चाहे मुंबई इंडियंस हो, कोई भी हो, नाम हो, टीम का बोध हो रहा है, चाहे कंट्री का नाम हो या कोई फ्रेंचाइजी का नाम हो, वर्ब हमेशा जब भी खेल संबंधित बातें होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम प्लुरल इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैच होगा ना, अभी हो ही रहा है मैच, टेस्ट वगैरह आप देखिए, गौर करेंगे आप तो वहां पे इंडिया वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया वर्ब 45 फॉर 0 या 2 या 3 दिखेगा, वर्ब दिखेगा, कभी आपको वज नहीं दिखेगा। तो हमने कहा कि वी यूज प्लुरल वर्ब इन केस ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड स्पोर्ट्स एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब इन केस ऑफ एक्टिविटी अदर देन स्पोर्ट्स। छप गया जी, पाकिस्तान हैव अराइव्ड एट द एयरपोर्ट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। क्या आएगा? यहां पे कोई खेल संबंधी बातें नहीं हो रही है कि हम सब प्लेयर की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, हैज का इस्तेमाल करेंगे। और इंडिया हैज प्लेड वेल, प्लेड वेरी वेल इन द लेटेस्ट टेस्ट मैचेस, तो यहां पे क्या जाएगा, हैव का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच।
छप गया, छापिए। कौन है भाई तड़पता हुआ आशिक? सिर्फ हम ही हैं जो तुझ पर पूरे के पूरे मरते हैं। कुछ तो तेरी आंखें, कुछ तो तेरा लहजा पे मरता है। यहां तो पूरे पूरे मरने को राजी है, लेकिन जब मैं कहता हूं प्रयास पूरा पूरा करो, तब वहां पे आधा अधूरा हो जाते हो। और यहां बिन मांगे बिना कहे पूरे पूरे मरते हैं। इसे मैं कहता हूं कि कोई भी चीज जीवन में करना है तो बस मोहब्बत कर लो, अंग्रेजी से मोहब्बत, करियर से मोहब्बत, जिस चीज को पाना है ना उससे मोहब्बत करो, अंग अंग उसके लिए है ना आग लगाने को तैयार हो जाएगा, पूरा अपने आप हो जाएगा, स्वतः स्वाभाविक, इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। देखिए आप लोग को भी अपने करियर से मोहब्बत होगी, और जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम रहे ना रहे अब ढूंढ लोगे। मेरे पिताजी कभी भी कहा नहीं कि तुम केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल स्कूल में आके पढ़ो, लेकिन मैंने जब भी मेरे पापा जब गांव आते तो मैं उनके साथ बैठ के खाता, और खाता तो पिताजी को, पिताजी की भरपूर सेवा करता, और जितना दिन होते 5 दिन 10 दिन आगे पीछे कभी पानी ला रहे हैं, कभी वॉशरूम से आ रहे हैं तो नल के पास खड़े हो गए, पहले से ही पापा आएंगे, हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, पूरा भरपूर स्वागत करता, और कभी यही कहता पापा मैं अपने साथ ले चलो वहीं पढ़े लिखेंगे। पापा नहीं ले गए मुझे, मैं 100 रुपये मम्मी से लेके भाग के उस शहर को गया। पापा बोले सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवा देंगे तुम्हें। पापा के ऑफिस की तरफ भी था, कभी देखा भी नहीं था, बस अंकल पापा के दोस्त रहते थे तो उनके घर के पीछे वो स्कूल था, तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं उसी स्कूल में पढ़ूं। लेकिन पापा बोले हो जाएगा 10 दिन 20 दिन, 1 महीना होगा, 2 महीना हो गया, लगा अब तो कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है। पापा कहा पापा रेलवे हाई स्कूल है उसी में करवा दूं एडमिशन। फिर उसमें कैसे कैसे बात किया, क्लास एग्जामिनेशन हुआ, फिर उसमें एडमिशन हुआ। फिर पापा ने कहीं पढ़ाने के लिए नहीं कहा कि जाओ अंग्रेजी पढ़ो। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो किसी ने बायोलॉजी वाले सर के पास ले गया, फिर वहां संतुष्ट नहीं हुए वो बायोलॉजी अंग्रेजी में पढ़ाते थे, तो वहां संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर एक टीचर को ढूंढा। तो ये खुद खुद स्वतः हुआ ना, मोहब्बत थी, कुछ करना था, अंग्रेजी सीखना, मुझे लगा अंग्रेजी सीखना, ये नहीं सोच के कहा सीखा अंग्रेजी की पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं अंग्रेजी बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी बोलूंगा तो घर परिवार सबको अच्छा लगेगा, और सीखते सीखते तो एक बार किसी चीज के प्रति मोहब्बत होती है, वही मोहब्बत मैं आपको देने आया हूं, लौटाने आया हूं, उसी मोहब्बत से बहुत दूर निकल जाओगे, करियर से मोहब्बत। अभी देखिए पेन है यहां पे, पेन मतलब होता है दर्द, दर्द काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। इतना दर्द मिला है कैसे कैसे काउंट करोगे, कितना काउंट करोगे राणा जी? ये दर्द अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो चंद साल पहले की तो बात है जब हमने जाना था कि अनकाउंटेबल के साथ सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी पेन आएगा दर्द बनकर वर्ब क्या देना इसे आप, इसे सिंगुलर वर्ब।
लेकिन अंग्रेजी में तो जानते ही आप, एस ई एस लगाकर, एस ई एस हटाकर नए शब्द निर्माण करने की फितरत रही है। जैसे असेट में असेट्स कर दिया तो संपत्ति भी हो जाता है ना, आर्म में आर्म्स कर दिया तो हथियार भी हो जाता है, उसी प्रकार पेन में पेंस कर दिया तो दर्द नहीं प्रयास, एफर्ट्स हो जाता है, और ये प्रयास प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब क्या था इसके साथ। लेकिन पेंस के साथ अगर मच आ गया तो ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे पेंस के साथ मच आया अनकाउंटेबल बन गया, अनकाउंटेबल बन गया तो वर्ब क्या आएगा? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यही छोटी सी चीजें हैं जो इररेगुलैरिटीज अंग्रेजी में है कि भाई जब ये प्लूरल है तो बस वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। ये क्या मच लगा रहे हो? तब तो हम सब में मच लगा देते हैं, सब में मच लगा के बना देते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन सबके साथ ये संभव नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मच पेंस के साथ वर्ब क्या जाएगा, लेकिन जब ग्रेट पेंस हो, हमने लिखा ही नहीं लेकिन ग्रेट पेंस हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। जब कह दिया मच तो फिर ग्रेट बोल के क्यों इंफॉर्मेशन देना, और जब जानेंगे कि मच्छी के साथ ऐसा होगा, बाकी पेंस के साथ कुछ भी आ जाए वर्ब क्या जाएगा, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल लिखते हैं, पेज मार दो। छप गया? ज्यादा किसी को ठंडक तो नहीं लग रही है तो बता देना, आप एसी बंद करा देंगे, बंद कर दे अभी, करवा दे एसी बंद कर, एक एक करके एक छोड़ के दूसरा बंद करते जाओ। एसी वाला पूछता है कैसा क्लासरूम, ठंडा है कि नहीं है? बोले बहुत ठंडा कर रहा है, तो अभी एक के बाद एक छोड़ के एक बंद करते जाओ, अच्छा रहेगा। बोले ठीक है जी। बोले अभी तो मौसम भी ज्यादा गर्म नहीं है, जल्दी चल जाता, आप जानते हो कि मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूं कि जल्दी चले, फिर आप लोग अच्छा महसूस हो तो फिर मुझे भी अच्छा लगे।
ठीक है ठीक, कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा है ना। मैं भी आकर बगल में बैठ के सेल्फी लेता हूँ आपके साथ ताकि पता तो चले दुनिया को कि देखो किस उम्र के बच्चे कितने शालीन हैं, क्या जमीन क्या बेंच, सब एक ही जैसा लगता है उन्हें। छप गया। अब देखिए सच पेन लाइक दिस इज और आर अनबेरेबल इज, क्योंकि यहां पे क्या है, दर्द की बात हो रही है, इसलिए यहां पे इज नहीं बल्कि सॉरी आर नहीं बल्कि इज का। मच पेन्स आर रिक्वायर्ड, मच पेन्स इज रिक्वायर्ड, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू, नो एरर। छपको देख, पॉलिटिक्स के तीन इस्तेमाल है, मतलब पॉलिटिक्स के तीन अर्थ होते हैं अंग्रेजी में। एक अर्थ जिसका मतलब होता है व्यूज, एक अर्थ जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट विषय, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी तो है पॉलिटिकल साइंस, एंड पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी के रूप में भी लिया जाता है जो राजनीति करते नहीं है। आजकल तुम बहुत राजनीति कर रहे हो, यहां कुछ और वहां कुछ और कर रहे हो, इसे कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, विलेज पॉलिटिक्स। तो ये एक एक्टिविटी बन जाता है, वैसे कंडीशन में हम इसे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अर्थ पढ़कर समझना पड़ेगा, संदेश पढ़कर समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है या फिर व्यूज है या फिर एक्टिविटी है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका।
बच्चा कहता है 11 बजे का बैच में कि सर एसी है भी या फिर डब्बा डब्बा लगा दिए हो। बोले बात तो सही कह रहा है, विश्वास बहुत मुश्किल से होता है। तब क्या हर पॉलिटिक्स हैज बिकम मोर लिबरल ओवर द फ्यू पास्ट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। क्या आएगा? हैव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर पॉलिटिक्स माय पॉलिटिक्स योर पॉलिटिक्स, हर मैथमेटिक्स योर मैथमेटिक्स। आईसीएस के साथ जब डिटरमिनर आ जाए तो ऐसे केस में हैव का इस्तेमाल करेंगे हम। पॉलिटिक्स हैव माय फेवरेट, क्या आएगा? हैज। एंड ऑफिस पॉलिटिक्स हैज डिस्ट्रॉयड माय करियर। पॉलिटिक्स हैज ने बिन छुटा हुआ है, पॉलिटिक्स हैज बिन माय फेवरेट सब्जेक्ट। बिन लगा लीजिएगा, पॉलिटिक्स हैज बिन माय फेवरेट सब्जेक्ट। कब लाइव किए थे? लाइव कब हुआ था? समय इतना कम दिखा रहा है। ए 50 55, दिल है बचपन। देखा आपने, ये पहले दो रंग था लेकिन जब एक हुआ तो फिर एक ही रंग में रंग गया। अभी होली आने दो, बीच छत में लटकाएंगे आपको और फिर कहेंगे रंगो इनको, फिर देखते कौन कैसे कहां का रंगता है। मैं तो ट्रैक्टर लेके आऊंगा।
पी ए वी, मतलब पी ए वी पिया आएंगे विहान, विहान समझते हैं आप, कल 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 कल, प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब पी ए प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब, पिया आएंगे विहान, पटना वाले भी दीदी कितने मुस्कुरा रहे हैं, विहान के बाद ही आ जाएंगे, अभी नहीं। अब देखिए यहां पे हमने इच लिखा है, कई करोड़ साल पहले आपने जाना होगा कि इधर नीदर ईच वन, जब भी ये सब्जेक्ट बने, सब्जेक्ट का पार्ट बने, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर। लेकिन अंग्रेजी में कोई जरूरी नहीं है कि जो सत्य पहले था वो आगे चल के उसका रूप ना बदले, जो कभी सत्य था वो आगे चल के असत्य भी हो सकता है। इसे बड़ा मुश्किल होता है कि हर रूल को, हर पॉइंट को दिमाग में रखना कि कभी कुछ कहीं और, कभी कुछ कहीं और। इसे कहते हैं इंग्लिश इज अ वेरी फिनी लैंग्वेज, फनी लैंग्वेज, कभी बी यू टी बट और पी यू टी उठ हो जाता है। बच्चन साहब ऐसा कहते हैं। यहां भी देखो इच, इच प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आया, तो सोचते होगे कि इच इसके बाद आया, जब बाद आया तो वर्ब क्या होना चाहिए इच के मुताबिक, सिंगुलर। लेकिन नहीं, ये बेसिकली जो इच है ना, ब्रैकेट में होने के जैसा है, ये नाउन इन अपोजिशन है। ग्रामर में इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल यूज ऑफ इच, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो इच ब्रैकेट में होने के जैसा है, तो जो ब्रैकेट में होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। ब्रैकेट में तो एडिशनल बातें लिखी जाती है, तो जो एडिशनल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। और एडिशनल कैसे है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट सब्जेक्ट से कैसे नहीं है, देखिएगा आप कि जैसे हमने ऑक्सिलियरी वर्ब लिखा इच, अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ा होता तो ऑक्सिलियरी वर्ब इसके बाद आता, ऑक्सिलियरी वर्ब जो आता इसके बाद आता। लेकिन जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब आया तो कहा कि मैं ऑक्सिलियरी वर्ब हूं, तो गठबंधन डायरेक्ट मेरा सब्जेक्ट के साथ होगा, इसलिए इच, इच को इसलिए हटना पड़ा क्योंकि इच डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इच यहां पे हट गया। और जब इच का डायरेक्ट प्रभाव सब्जेक्ट पे नहीं है तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल क्यों करेंगे। हां कहते हैं इच बॉय, यहां पे इच का संबंध डायरेक्ट बॉय से है, वर्ब आता है सिंगुलर। इच ऑफ अस, इच ऑफ यू डायरेक्ट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, वर्ब क्या आता है, सिंगुलर। लेकिन दे इच, यू इच, द बॉयज इच, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब आता है ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद न होकर ऑक्सिलियरी के बाद आता है। अब देखिए इच, ये हमारे एग्जाम में प्लेसमेंट से संबंधित भी एरर आता है कि इच जब भी आएगा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आएगा, जब भी इच आएगा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आएगा, और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के, मेन वर्ब के पहले आएगा। लेकिन वर्ब हर सूरत में क्या आएगा, वर्ब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, और प्रोनाउन भी आएगा हमारे एग्जाम में तो क्या आना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि इस कंडीशन में जब जब इच आएगा ये ब्रैकेट में होने के जैसा होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, इसके मुताबिक वर्ब नहीं आता है। हां जब सब्जेक्ट के पहले इच आएगा तब तो वर्ब इच के मुताबिक ही आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन जब जब बाद में आएगा ना तो ऑक्सिलियरी वर्ब अगर आया तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद इच आएगा, और अगर ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले आएगा, मेन वर्ब के, मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलियरी के बाद आता है। लेकिन वर्ब नेचर में हमेशा क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल और प्लूरल होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे आप, वी इच, वी इच, ई ए सी एच, बहुत बच्चे मैंने देखा
आई एस इज लिख देते थे, वी इच मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, वी इच, इस जगह मैंने इसलिए छोड़ा था, वी इच हैज समथिंग समथिंग टू से, वी इच हैज समथिंग टू से, द चिल्ड्रेन इच क्या चीज का मनु उन छुट्टी पे क्या है? एक तो मैंने कहा था यहां पे घंटी लगाओ, अभी जैसे क्लास खत्म होगी यहां पे होना चाहिए, और मुन्नि को सीट नहीं मिली है, एक बार आवाज लगा लो सीट किसको मिली है, नहीं मिली है, सीट दो, सीट है कि नहीं हमारे पास, यहां पे यहां पे, और किसी को नहीं मिली है, एक बच्चा वहां पे हाथ उठा रहा है, वहां को देना, पंडित जी को क्या नहीं मिली है, दक्षिणा। अब देखिए वी इच हैज समथिंग टू से क्या आएगा, वी इच हैज समथिंग टू से या वी इच हैव, यहां पे हैव मेन वर्ब है, ध्यान रखना हैव यहां पे मेन वर्ब है, वी इच हैव समथिंग टू से, एंड द चिल्ड्रेन इच हैव बीन गिवेन सम स्वीट्स, क्या आएगा, अब है तो सही लेकिन इच का जो प्लेसमेंट है वो गलत है, पहले आएगा द चिल्ड्रेन हैव इच बीन गिवेन सम स्वीट्स, ऑक्सिलरी वर्ब की बात, बीन गिवेन पैसिव बन गया तो बीन गिवेन एक साथ लिखा जाएगा, जैसे कहते हैं इट हैज ऑलरेडी बीन डन, इच इट हैज ऑलरेडी बिन डन, ये पहले ही किया जा चुका है, तो जब भी इच आएगा ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब के पहले आएगा, और जब भी सब्जेक्ट के बाद इच आएगा वर्ब हमेशा क्या होगा, हम प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आप आए, आभार आपका, आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एप्ट में जुड़े सारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, पटना में मौजूद सारे बच्चों को नमस्कार, रोहतक के बच्चों को नमस्कार, बोरिंग रोड वाले बच्चों को नमस्कार, और मुखर्जी नगर में मौजूद तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए, थैंक यू सो मच।